अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जॉन। आज आपके लिए दो एक्सरसाइज लेके आए हैं लेग के हवाले से, एक लेग एक्सटेंशन है और एक लेग कर्ल। तो बेसिकली जो लेग एक्सटेंशन है वो आपकी क्वाड्स के लिए होगी और जो आपकी जो लेग कर्ल है वो आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए होगी। तो ये आइसोलेशन बेस्ड एक्सरसाइज है। चलें आज आपको इसका सारा तरीकेकार बताते हैं, ये कैसे लगानी है आपने और उसमें कौन कौन सी गलतियाँ जो आपने नहीं करनी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने पंजे से फोकस भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सीधा सीधा लगा रहे हैं, तो यहाँ पे रख के आप इसको लिफ्ट करेंगे, ये लिफ्ट करें ठीक है, और आप इसको वापस नीचे ले रहे ठीक है, लिफ्ट करें उसके बाद नीचे ठीक है, फिर लिफ्ट करें और नीचे ले रहे ठीक है। ये बेसिकली आपके क्वाड्स के लिए ठीक है, लेग एक्सटेंशन इसको बोलते हैं। अच्छा, अब बाल लोग क्या करते हैं, हाफ मूवमेंट करते हैं, हाफ मूवमेंट करें यहाँ तक जाएंगे और इसको नीचे ले जाते हैं, ये हाफ मूवमेंट है। इसी तरह ऊपर से भी कुछ लोग हाफ मूवमेंट करते हैं, ऊपर से लेके जाए और नीचे लेके जाए तो यहाँ तक बात ऊपर ले आए, तो कुछ लोग ऐसे मूवमेंट भी कर रहे होते हैं तो ये भी गलत है। तो इसके लिए आपने फुल मूवमेंट करनी है ठीक है, फुल मूवमेंट नीचे लेके जाए और फिर फुल ऊपर ले ठीक है, फुल ऊपर लेके आए उसको ठीक है। आप इसी तरह लगाते जाए ठीक, तो आगे ठीक है। तो इस तरह आपने इसके 3 से 4 सेट लगा लेने हैं तो ये आपकी एक्सरसाइज कम्प्लीट हो जाएगी जी। तो आप दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो क्या है लेग कर्ल। तो लेग कर्ल के लिए क्योंकि हमारी हैमस्ट्रिंग को कवर करेगी, टारगेट करेगी, तो हम इसको उल्टा होकर लगाएंगे क्योंकि बाद जगह मशीन जो है वो किसी सीधे अंदाज में भी होती है, लेकिन हमारे पास ये मशीन जो है अल्टरनेट अंदाज में है तो हम इसके ऊपर ही कवर करेंगे। आ जाए आप इसके ऊपर। अच्छा, अब इसमें लेटने का तरीका ये कि आपने सबसे पहले खड़े होना है और इस आपकी जो टांगे इसकी जो है नीचे आएंगी ठीक है, अब आप लेट जाएंगे। दूसरा आपका ये जो उसमें है ये जरा दिखाएंगे क्लोज करके थोड़ा सा, ये जो घुटने हैं ये वाले जो है नीज है ये आपके पैर से नीचे आएंगे ठीक है, पैर से नीचे आएंगे थोड़े से, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, यानी थोड़े से आपके जहाँ से शुरू हो रहे हैं आप उतने पे आएंगे, नहीं तो इंजरी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अच्छा, अब उसके बाद वेट उतना ही इस्तेमाल करें जितना आप इजीली लगा सकें, 10 से 12 रैप लगा लेंगे और बाकी आपने इसके पैड पे जो है इस अंदाज में यहाँ पे रखना है। अब आप इसको लिफ्ट करेंगे ऊपर और लिफ्ट करें और लिफ्ट करें यहाँ तक आपने इसको लिफ्ट करना है, उसके बाद वापस आ जाए और यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद वापस आ जाए ऊपर इसी तरीके से ठीक है, इसको फुल लिफ्ट करना है आपने और उसको कोई रिलीज नहीं करना, आपने थोड़ा सा इसमें गैप रखना है। चलिए लगाएं इसको यहाँ से ठीक है, अब लगा के दिखाएं बार बार आप लगाएं ठीक है यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपके हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है और ये हैमस्ट्रिंग इससे आपकी जो उसकी है इसमें साइज और स्ट्रेंथ दोनों इम्प्रूवमेंट होगी इसके ठीक है। अब आप नीचे आते हैं जी। तो ये दो एक्सरसाइज थी, ये आप लगा लेंगे 3 से 4 सेट एक के, 3 से 4 सेट एक के, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।